नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 9 अक्टूबर 2018 है और 9 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज 9th October 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर्स शो। फर्स्ट ऑफ ऑल Let's have a look on the history as what happened on this day. On this day in the year 1949, Territorial Army was officially inaugurated by C. Rajagopalachari. आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन घटित इतिहास की एक प्रमुख घटना पर। आज ही के दिन सन 1949 में Territorial Army का शुभारंभ श्री C. Rajagopalachari द्वारा किया गया। Now let's begin with our current affairs quiz. The very first question is, which state government has launched program Nirman Kushum? And this has been launched by state government of Odisha. Now let me give you the basic information about this program. This program is for providing financial assistance to the children of construction workers for their technical education in the state. Now let me give you the basic information about Odisha. Capital of Odisha is Bhuvaneswar. CM is Naveen Patnaik. Governor is Ganeshi Lal. Kis Rajya Sarkar Dwara program Nirman Kusum launch kiya gaya? Aur ye launch kiya gaya hai Odisha Rajya Sarkar Dwara. Is program ke tahat construction workers ke bachchon ko aarthik sahayata pradan ki jayegi. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ उड़ीसा ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन हाइलाइटेड विद द रेड कलर। ये आप देख सकते हैं उड़ीसा का मानचित्र जो गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है भारत के मानचित्र पर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एंटी टेररिस्ट फोर्स एंड इट हैज बीन डिसाइडेड बाय हरियाणा स्टेट एंड द नेम ऑफ दिस फोर्स विल बी कवच। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। CM इज मनोहर लाल खट्टर एंड द गवर्नर इज सत्यदेव नारायण आर्य। किस राज्य सरकार ने आतंकवादी विरोधी दल बनाने का निर्णय लिया है? और ये लिया गया है हरियाणा राज्य द्वारा। इस आतंकवादी विरोधी दल का नाम होगा कवच। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। अब आप देख सकते हैं हरियाणा का नक्शा जो भारत के मानचित्र पर लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ हरियाणा हाईलाइटेड विद द red color in the map of India. Now question number 3, who has been awarded Nobel Prize for Economics 2018? And this prize has been awarded to two persons, William Nordhaus and Paul Romer. Economics ka Nobel Puraskar kise pradan kiya gaya hai? Aur ye kiya gaya hai do vyaktitv ko jinka naam hai William Nordhaus aur Paul Romer. And this is the picture of these two economists. First one is William Nordhaus and second one is Paul Romer. ये दो अर्थशास्त्री हैं जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले हैं विलियम नॉर्दहास और दूसरे हैं पॉल रोमर। क्वेश्चन नंबर 4, who has won the ISSA Good Practice Award? And it has been won by the Employee State Insurance Corporation, that is ESIC. ISSA Good Practice Award किसने जीता है? और ये जीता गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा। Now let's discuss question number 5. Which state government has unveiled Unnati scheme to help entrepreneurs? And this scheme has been launched by Karnataka government. Now let me give you the basic information about Karnataka. Capital of Karnataka is Bengaluru. CM is HD Kumar Swami.
गवर्नर इज वजुभाई वाला। किस राज्य के द्वारा उन्नति स्कीम लॉन्च की गई है? और ये लॉन्च की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी हैं और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। एंड दिस इज द मैप ऑफ कर्नाटका विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द रेड कलर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये कर्नाटक का मानचित्र है जो भारत के मानचित्र पर गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन जापान एंड इंडिया? द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जिमेक्स 18 एंड दिस एक्सरसाइज हैज़ बिगन एट विशाखापट्टनम। भारत और जापान के मध्य की जा रही समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है जिमेक्स JIMEX 18 और ये विशाखापट्टनम में शुरू की गई है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। आवर प्रेजिडेंट श्री रामनाथ कोविंद इज ऑन अ 3-day विजिट ऑफ विच कंट्री एंड ही इज ऑन अ 3-day विजिट ऑफ ताजिकिस्तान। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज दुशानबे। करेंसी इज ताजिकिस्तानी सोमानी रूबल। प्रेजिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान इज एनामोली रहमान। हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस देश की 3-दिवसीय यात्रा पर हैं? और ये है ताजिकिस्तान देश, जिसकी राजधानी दुशानबे है, इसकी मुद्रा ताजिकिस्तानी सोमानी रूबल है और यहाँ के राष्ट्रपति इनामोली रहमान है। दिस इज द मैप ऑफ ताजिकिस्तान हाईलाइटेड विद द डार्क ग्रीन कलर लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। ये ताजिकिस्तान का मानचित्र है जो विश्व के मानचित्र पर गहरे हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, जो मध्य एशिया में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 86th एनिवर्सरी एंड इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 8th नवंबर 2018। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ कब मनाई? और ये मनाई 8 अक्टूबर 2018 को। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न। हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट एशियन पैरा गेम्स 2018 एंड इट हैज बीन वॉन बाय संदीप चौधरी हु इज अ जेवलिन थ्रोवर। ही थ्रो जेवलिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60.01 मीटर्स एंड वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। दीज गेम्स आर बींग कंडक्टेड इन जकार्ता इंडोनेशिया। भारत की ओर से पैरा एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? और ये जीता गया है संदीप चौधरी ने, जो भाला फेंकते हैं। इन्होंने 60.01 मीटर का भाला फेंक भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ये पैरा एशियन गेम्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Who has won the Chicago Marathon 2018 and this has been won by Mo Farah from Britain by timings of 2 hours 5 minutes 11 seconds. Friends, I want to tell you, a marathoner has to run a distance of 42.195 kilometer, that is 26 miles 386 yards. Chicago Marathon 2018 किसने जीती है? और ये जीती है Mo Farah, जो ब्रिटेन के हैं। इन्होंने 2 घंटे 5 मिनट और 11 सेकंड का समय लिया। मैराथन दौड़ने वाले व्यक्ति को 42.195 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात 26.219 माइल्स की। दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म। थैंक यू। धन्यवाद।